सबसे पहले लॉक सरक्लिप को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपके पास नोक प्लास होना चाहिए। नोक प्लास है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्रॉस की गोली है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे हथौड़ी से। इससे क्या होगा कि आपका जो सरक्लिप लगा हुआ है वो थोड़ा फ्री हो जाएगा, उसके बाद वो आसानी से निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे निकलता है। नोक प्लास से पकड़ के ऐसे निकाल लेना है, ऐसे चारों तरफ का आपको निकाल लेना है। अगर आपका क्रॉस टूट गया है या ख़राब हो गया है, आप नया क्रॉस लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद क्रॉस होल्डर को किसी ऐसे चीज़ में रखेंगे ताकि अगर ऊपर से क्रॉस को ठोका जाए तो नीचे उसकी गोली उसमें जाके निकल सके। उसके बाद आपको ऊपर से हैमर से ठोकना है पीछे वाले क्रॉस होल्डर पर, ठोकते जाना है। फिर आपकी गोली धीरे धीरे जाके जो है खिसकते खिसकते निकलने लगेगी बैक वाली, जैसा कि अब आप वीडियो में देख पाएंगे ये हमारी गोली निकलने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कैप निकलने के बाद ऊपर वाला कप जो है उसको भी आपको ठोक के नीचे कर देना है ताकि उसका जो ऊपर बाल बियरिंग्स लगे हुए हैं छर्रे वो गिरने ना पाए। ऐसे आपको ऊपर से ठोक के उसको अंदर कर देना है। इसके बाद अब हम क्रॉस होल्डर पर नीचे की ओर हथौड़ी से चोट करेंगे। उसके बाद ये जो आपका कप दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चलने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक कप निकल गया है, इसमें कोई भी छर्रा वगैरह डैमेज नहीं हुआ है। ऐसा आप देखेंगे होल्डर निकल गया, दूसरा वाला कप ऐसे आसानी से निकाल लेना है। अब वही सेम प्रक्रिया हम दूसरी तरफ के लिए भी करेंगे। सबसे पहले सरक्लिप को फ्री कर सरक्लिप निकालेंगे, उसके बाद जो है कप को धीरे धीरे ठोक कर निकालेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि नीचे वाला कप जब नीचे की ओर जाने लगे तो ऊपर वाला कप भी आपको नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना है ताकि उसमें जो बैरिंग बनी हुई है, जो उसमें जो बाल बेरिंग छपे लगे हुए हैं वो गिरने ना पाए। क्योंकि दोस्तों अगर वो गिर जाएगा, टूट जाएगा तो आपका जो क्रॉस लगा रहे हैं आपको ख़राब हो जाएगा। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये मेरे पास कुमार का ओरिजिनल क्रॉस रखा हुआ है, उसमें मैंने आपको दिखाया है ये गोगो का क्रॉस लगा हुआ है, जैसा कि आपको भी मैं वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ तो उसको आप देख लीजिएगा। गोगो का क्रॉस जो होता है दोस्तों वो सबसे अच्छा माना जाता है। ये लगभग आपको 850-900 रुपए के आसपास मिलता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस निकल गया है। मैं आपको क्रॉस नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये आप देखिए गोगो का क्रॉस है, हमने क्रॉस को सेफली निकाल लिया है। अब जो है आपको क्रॉस होल्डर दिखाते हैं कि क्रॉस होल्डर इसका कैसा है। ये जो है एक शक्तिमान का ओरिजिनल सॉफ्ट है। ये आपका क्रॉस होल्डर है, बैक वाला क्रॉस होल्डर है, ये फ्रंट वाला क्रॉस होल्डर है। इसमें आप जैसा देख सकते हैं SRT लिखा हुआ है, यानी शक्तिमान रोटरी टिलर। तो अब इसको हम रीअसेंबल करेंगे, यानी आपकी भाषा में कहा जाए तो अगर आप क्रॉस बदलना चाहते हैं तो अब इसमें हम नया क्रॉस डालेंगे। क्योंकि मैं तो वही आपको दिखाने के लिए निकाल दिया हूँ तो मैं क्रॉस को लगाता हूँ, आप नया क्रॉस अपना इसी तरह से लगाइएगा। तो सबसे पहले आप क्रॉस होल्डर में दोनों तरफ से कप निकाल लीजिएगा और क्रॉस होल्डर में क्रॉस डाल लीजिएगा नीचे की तरफ कप रखकर। उसके बाद ऊपर से हथौड़ी से आपको चोट कर देना है। चोट करेंगे तो आपका नीचे क्रॉस होल्डर में कप जाने लगेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा कप जो है क्रॉस होल्डर में जा चुका है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और ऊपर हमें करना पड़ेगा। तो आपके पास कोई नट अगर पाउंड टूटता है तो उसको नीचे रख लीजिएगा। मैंने ये लोहे की पाइप है इसको रख के कर दिया है, तो आप देख लीजिए। कम से कम इतना आपको कर लेना है ताकि आपका वो जो दूसरी तरफ का क्रॉस है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसमें जब आप कप लगाएं तो कप की जो बियरिंग है लगाते वक्त वो गिरने ना पाए। और अब हम एक तरफ को लॉक लगा देंगे ताकि दूसरी तरफ को वो कप जाने ना पाए। आप देख सकते हैं ये लॉक मेरे हाथ में है। अब इसका जो लॉक घाट कटा हुआ है उसमें हम लॉक लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लॉक बैठ गया है। अब दूसरी तरफ से इसको जो है चोट कर देंगे ताकि उसका भी लॉक वाला घाट जो है
वो दिखने लगे। जैसे ही आपका लॉक हार्ट दिखने लगेगा, वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी लॉक लगा देना है जैसे पहले लगा हुआ था। अब आप देख सकते हैं हमारा लॉक हार्ट दिखने लगा है। अब हम इसमें जो है लॉक को लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरफ का पूरा लग गया है क्रॉस, आपका क्रॉस फ्री भी है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रॉस को लगाइए, तो ये जो क्रॉस है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप क्रॉस सही से लगा नहीं पाए हैं, वो क्रॉस आपका जल्दी से कट जाएगा दोबारा से। और अब वही सेम प्रक्रिया हमको दूसरी तरफ भी कर देना है। जैसे हमने पहली तरफ को लगाया था वैसे ही दूसरी तरफ को लगा देना है। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ी से करने वाला हूं ताकि आपका समय बच सके। पहले मैंने एक तरफ तो लगा के दिखाई दिया आपको, दूसरी तरफ सेम वैसे ही आपको लगा लेना है। As you can see now it is final।